दोस्तों, इस तरह की एआई जनरेटेड वीडियो आप फ्री में 2 मिनट में बना सकते हैं और अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं। इस तरह के वीडियो 100% वायरल हो रहा है। आप ही सोचिए, हर कोई ऐसे वीडियो देखना चाहता है। आपको प्रूफ चाहिए तो मैं सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूं। ये एक चैनल है, इसको देख लीजिए। इस पे देखिए मिलियनों में व्यू आ रहा है, 10 मिलियन, 15 मिलियन और लगातार व्यू आ रहा है और इनका वीडियो वायरल चल रहा है। ऐसे वीडियो आप 2 मिनट में बना सकते हैं। सब कुछ बड़ा आसान है। आप महिला है, कोई भी है, या पढ़े लिखे भी नहीं है या पढ़े लिखे हैं, हर कोई ऐसा वीडियो बना सकता है। बहुत आसान है। एक ऐप से मिनटों में चुटकी बजा के इस तरह का वीडियो बन जाएगा। मैं आपको विद प्रूफ वीडियो बनाते हुए और डालते हुए पूरा सिखाने वाला हूं। डॉक्टर सौरभ आपकी पूरी हेल्प करेगा सपोर्ट मॉनिटर के साथ और आपका प्रमोशन भी करेगा। इससे पहले आप देख लें, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा और आप सिस्टम में भी घुसते हैं, जो मैंने बता दिया है। और आखिरी में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। सबसे पहले इनका मैं प्रमोशन कर देता हूं और इनको आप सपोर्ट करें। अगला प्रमोशन भी मैं वीडियो के बीच में कर दूंगा, आपका नाम भी उसमें हो सकता है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, सीधा आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूं और आपको बहुत मिनटों में आपको कॉपी पेस्ट आइडिया करके ये वीडियो बना के दिखाऊंगा। मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% मोनेटाइजेशन के साथ आप अर्निंग कर पाओगे। आइए चलते हैं सीधे हमारी स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहले हम आ गए मोबाइल के स्क्रीन पे। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते जाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो सर्च बार में जाइएगा, सर्च बार में लिखिएगा Pinterest। देख लीजिए, Pinterest आपको क्लियर में दिखा रहा हूँ, Pinterest.com। ऐसा आप Pinterest अकेला लिखेंगे तो आपको ये फाइल आ जाएगी। इस मेरे में डाउनलोड है इसलिए मैंने ओपन कर लिया। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी सी आवाज़ मद्दी कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ में कॉपीराइट इसमें आएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आखिरी में ऐसी चीज़ बताऊँगा आपको, बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आएगा, फुली मोनेटाइज चैनल हो जाएगा। इसमें आपको देखना है कि यहाँ सर्च बार के ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे आपको लिखना है कैट डांस वीडियो। देखिए, कैट डांस वीडियो आप जैसे ही लिखेंगे तो बहुत सारे कैट डांस के वीडियो आ जाएंगे और आपको सिंपली यहाँ पे डांस करते हुए बहुत सारे वीडियो दिख रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, देखिए ये क्यूट सा लग रहा है मुझे, और जो आप लेना चाहें, बहुत सारे ढेरों हैं, बहुत कंटेंट की कमी नहीं है। ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की साइड आ रहा है, जो 3 डॉट आ रहा है, जहाँ पे आपको नीचे 3 डॉट पे जाना है और उसके बाद कॉपी लिंक आ रहा है, तो यहाँ पे कॉपी लिंक कर देना है। कॉपी लिंक के पे जैसे ही करेंगे तो आपकी लिंक कॉपी हो जाएगी। अब आपको बहुत सिंपल तरीके से डाउनलोड करना है। अब आपको गूगल में जाना है। गूगल क्रोम में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, गूगल क्रोम में हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं Pinterest वीडियो डाउनलोडर, जी आपको लिखा दिख रहा होगा, जी क्लियर, बिल्कुल Pinterest वीडियो डाउनलोडर। तो यहाँ पे आपको Pinterest वीडियो डाउनलोडर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की वेबसाइट जो आ गई Pinterest वीडियो डाउनलोडर की, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है पेस्ट योर लिंक, जो आपने वहाँ से पेस्ट की थी वो ही लिंक यहाँ पे आपको, जो वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा दबाएंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद जो नीचे आपकी वीडियो आके तैयार हो गई। अब आपको आपकी गैलरी में इसको सेव करना है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड वीडियो पे जाओगे। डाउनलोड वीडियो पे जैसे ही जाओगे तो जो साइड में 3 डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो डाउनलोड की फाइल आ गई, डाउनलोड पे चले जाना है। जैसे ही ये डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड आपको गैलरी में हो चुकी है। अब आपको सिंपली एडिट करना है, बहुत जरा सी एडिट करना है, कोई ज़्यादा नहीं, बहुत सरल है। अब जी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब आपको मैं ले चलता हूँ काइन मास्टर में। आप जिस भी ऐप से वीडियो एडिट करते हैं उस ऐप से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने काइन मास्टर से एडिट करके बता रहा हूँ, तुझे 9:16 का रेशो ले लेना है क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये वाला रेशो लगेगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और
इस पे ओके करूंगा तो देखिए जी काइन मास्टर आपको पता होगा आई एडिट करते हैं तो ये आड़े में ही एडिट होता है, भले ही खड़ा वीडियो हो रहा हो, तो ये हमको ले लेना है। ये ले लेने के बाद हमारी जो फाइल थी वो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। देखिए ये फाइल लेने के बाद जो हमने ओके कर दिए, ये फाइल हमारी आ गई है। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना है आप देखते जाइए, सबसे पहले हमको इसकी आवाज़ मद्दी करना होगी, तो हम इसकी आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर देते हैं ताकि इस पर कोई भी कॉपीराइट ना आए। तो इसकी हमने आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी है। अब बंद करने के बाद आपको देखिए चला के देख लीजिए बंद हो चुकी है। अब आप इसमें आपको एक काम और करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ, थोड़ा सा कलर वगैरह इसके सेट कर लीजिए, थोड़ा सा एकदम देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो कलर भी हमने इसके सेट कर लिए, अब देखिए आप बहुत प्यारा दिख रहा है आपको, तो और अच्छा लगेगा। अभी मैं वीडियो से वीडियो दिखा रहा हूँ, मोबाइल से मोबाइल इसलिए थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत प्यारा देखने में लगेगा। ऐसा लगने के बाद अब आप अपने चैनल का नाम भी लिख लीजिए। तो यहाँ जाने के बाद जैसा मेरे चैनल का नाम है सपोर्ट मॉनिटर, तो मैं @SupportMonitor यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए जी मैंने @SupportMonitor लिख दिया, आप अपने चैनल का नाम यहाँ लिखिए, इससे आपके चैनल पे भी लोग विजिट करेंगे। और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद थोड़ा सा जी अच्छा लगे सेट करके, अच्छा लगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोल्डनेस करके थोड़ा सा ऐसा फॉन्ट ले लेना है, ओके कर देना है। अब इसको कलर वगैरह दे देना है, तो कलर देने के लिए आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर दे देना। मेरा वाइट है तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ, वाइट अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड दे देता हूँ लाल, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाऊँगा, तो ये दिख रहा है बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लूँगा। बैकग्राउंड पे यहाँ ओके करूँगा और यहाँ जाने के बाद यहाँ जाऊँगा और बैकग्राउंड यहाँ से लाल ले लूँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लाइन आप थोड़ी पूरी खींच दिए जाए और ओके कर देना। अब आप देख सकते हैं लाल बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये लाल लाल अच्छा दिखने में लगेगा। अब जो लाल लेने के बाद थोड़ी सी लाइन जो पूरी आपको ऐसे खींच देना है, तो इस तरह से और प्यारी लगेगी। लाइन मैंने ऐसे खींच दी है, अब आप देख सकते हैं जो लाइन ऐसी परफेक्ट लगेगी। लाइन ऐसी लगने के बाद आपको इस पर सेव पे जाना है और सेव पे जाने के बाद इसको सेव कर देना। अब मैं आपको वीडियो डाल के भी बताऊँगा। तो ये मैंने सेव कर दिया है, ये वीडियो फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको अपने वीडियो में आपको डाल के बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब हम अपना YouTube खोल लेते हैं। आपको YouTube के धन का निशान है, इस पे जाना है। तो ये नीचे धन, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले तो अपलोडिंग पे मत जाओ, सबसे पहले ट्रेंडिंग वीडियो देखो। तो ये ट्रेंडिंग वीडियो ऊपर ही आ रहा है, इस पे आपको जाना है, ये निशान पे देखते जाइए उंगली पे। यहाँ जाओगे तो ये ट्रेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेंडिंग पे चले जाना है। अब ट्रेंडिंग पे जाने के बाद म्यूजिक में जाना है। म्यूजिक में जैसे ही जाओगे तो आपको जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लगे वो सॉन्ग ले लेना है। तो मैं म्यूजिक में जो अच्छा सॉन्ग है वो सॉन्ग ले लेता हूँ। और ये सॉन्ग लेने के बाद आपको देखिए रीमिक्स थोड़े ऐड मेड चल रहा है, तो वो जाने दो। आपको नीचे रीमिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो वो रीमिक्स वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। 2 मिनट में बन के तैयार होगा, बस थोड़ी सी आपको सिखाने में टाइम लग रहा है। अब रीमिक्स पे जाने के बाद साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करोगे तो ये साउंड आपके सामने जाएगा, डन कर देना। अब आपको आपका वीडियो जो आपने डाउनलोड किया था वो दिख रहा है, वो वीडियो यहाँ से आपको ले लेना है। तो वो वीडियो यहाँ से लेने के बाद ये देखिए वीडियो लिया था, ये मेरे चैनल के लोगों कितना प्यारा लग रहा है, ये डांस करता हुआ कैट बहुत अच्छा लग रहा है, डन कर देना है। तो ये वीडियो देखिए फाइल आपकी डल के तैयार, वीडियो की फाइल आपकी डल गई है। अब आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सॉन्ग भी दिख रहा है, मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकता क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग इससे नहीं दिखाऊंगा, वहाँ पे सॉन्ग चलेगा बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। इसके बाद आप मैं खुद ही अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है, बहुत प्यारा लगेगा, कैट डांस वीडियो। तो कैट डांस वीडियो यहाँ पे लिख देना है। कैट डांस वीडियो लिखने के बाद मैंने ये लिख दिया है, और बाकी के आप थोड़े हैशटैग लगा सकते हो कैट डांस के बाद। और देखिए थोड़ी सी सेटिंग पब्लिक है, पब्लिक लेने देना है।
लोकेशन है, लोकेशन आपको इंडिया कर देना है। इंडिया करने बाद सिलेक्ट ऑडियंस है तो सिलेक्ट ऑडियंस, आप बच्चे ज़्यादा देखते हैं चाहे तो रखें, लेकिन दोनों लोग देखते हैं तो सिलेक्ट ऑडियंस पे आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और रिलेटेड वीडियो आप डालना चाहें तो रिलेटेड वीडियो में आप कोई आपने वीडियो डाला और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। जे छोड़ने के बाद और ज़्यादा टैग मैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो चल जाता है। अल्टरनेट कंटेंट आप लिखना चाहें तो नो पे कर सकते हैं, और इसको करने के बाद आपको सिंपली अपलोड वीडियो कर देना है, तो इस तरह से आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप बहुत आसानी से वीडियो बना के अपने चैनल को मोनेटाइज। तो आपने देखा कितने सरल तरीके से मैंने ये सिखा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक तो बनता है, क्योंकि मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। आप इस तरह से नया चैनल खड़ा करके सिल्वर प्ले बटन और मोनेटाइजेशन तक जा सकते हैं। तो मैंने तो भैया इस तरह का आइडिया आजमा लिया है और मैं अब इस पर काम करने लगा हूं। आप कब से शुरू कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। और मैंने ग्रुप बनाया है फीमेल का अलग और मेल का अलग, पूरी शिद्दत से फ्री में सबकी सपोर्ट कर रहा हूं। तो यार सपोर्ट को तो सलाम करिएगा, बड़े यूट्यूबर के झांसे में बताइएगा जब सपोर्ट मॉनिटर भाई आपके साथ है, आपका चैनल ग्रो करवा दूंगा मुझे चाहे कुछ भी हो। जय हिंद जय भारत जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। बाय बाय।